बहुत ही शुद्ध, आसान, देसी, कैसी भी कह लो, मेरे खानदान में अभी तक ऐसा किसी लड़की ने नहीं किया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका सुपर आर्टेक्स में। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ मैं चैप्टर को लेकर के। चैप्टर नंबर 6 है वैश्वीकरण, जानेंगे इसके बारे में। फिलहाल आज की वीडियो में हम बहुत कुछ नहीं जानेंगे, केवल और केवल वैश्वीकरण शब्द को जानेंगे। क्या बोला मैंने? केवल और केवल वैश्वीकरण के अर्थ को जानेंगे, और ये जानेंगे कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में आपको कैसे टैकल करना है, यानी कि फेस करना है। तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि चैप्टर नंबर 6 है वैश्वीकरण, और ये आपका इस बार सेकंड टर्म यानी कि टर्म 2 का जो है पार्ट है, यानी टर्म 2 में ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से आपको 6 नंबर का जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जो 6 नंबर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसका ये मतलब नहीं है कि 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, वेल एंड गुड, बट क्या होगा कि 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ सकता है और 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इन दोनों को मिला दे तो भी 6 हो जाता है, और अकेला 6 नंबर का पूछ ले तो भी 6 हो जाता है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर में आपको वैश्वीकरण से एक क्वेश्चन देखने को मिला तो डेफिनेटली आपको 4 का भी मिलेगा, और अगर ये दोनों 2 और 4 में वैश्वीकरण का टॉपिक नहीं छेड़ा गया तो आपको पक्के से 6 नंबर का वैश्वीकरण से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे यही कहना है कि हम लोग इस इतने प्यारे मौके को, इतने आसान चैप्टर को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, 6 के 6 नंबर पूरे गेट करने हैं, चाहे वो 2 में पूछे, 4 में पूछे, या अकेले 6 में पूछ ले, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ नंबर चाहिए, और वो भी पूरे के पूरे। कैसे लाओगे? बहुत आसान है, बहुत आसान ये चैप्टर है, मगर थोड़ा सा लेंथी है। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर को 2 या 3 वीडियो के अंदर अंदर आपको समझा दूं। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है, टॉपिक ही बहुत बड़ा है। अब ये लगा लो कि MA में तो इस पर आप जो है एक अलग से ही बुक देखने को मिलेगी, पूरी भूमंडलीकरण के। MA में वैश्वीकरण के नाम से नहीं, भूमंडलीकरण के नाम से चलता है, और खास करके सेकेंड ईयर के अंदर तो बहुत बढ़िया टॉपिक है इसका, चलता है पूरा, मतलब एक पूरी सीरीज चलती है मान लो। ठीक है, तो खैर इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग 12th क्लास में, और आज हमारी ये शुरुआत है, ये मान लो कि हम वैश्वीकरण के नर्सरी क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता दूं कि वैश्वीकरण को आप कैसे समझोगे। अगर आप लोग लाइव होते क्लास में तो मैं बात भी करता, फिलहाल अभी आप लोगों से नहीं पूछ सकता। बहुत सारे लोग वैश्वीकरण को समझते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वैश्वीकरण को नहीं समझते होंगे। सपोज दैट आप लोग नहीं जानते कि वैश्वीकरण क्या है, तो इस पर्टिकुलर एक अकेले शब्द वैश्वीकरण को हम अगर समझें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया विश्व का एकीकरण। कैसे? विश्व का एकीकरण मतलब वैश्वीकरण। अगर मैं ये लिखूं कि विश्व का एकीकरण मतलब वैश्वीकरण, क्या है, यहां पर विश्व है, यहां पर प्रत्यय है, करण वाला प्रत्यय है ना, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उपसर्ग आगे लगने वाला, प्रत्यय प्रत्यय पीछे लगने वाला, तो वो वाली चीज है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विश्व का एकीकरण, यानी कि आज वर्तमान में पूरा विश्व एक हो चुका है, आज पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया है, या फिर यूं कहो कि वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव कुटुंबकम का जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें एक साइन दिखाया जाता है, एक निशान चिन्ह दिखाया जाता है, कैसा, दोनों हाथ होते हैं वासुदेव के, और उस पे पूरा का पूरा पृथ्वी का गोला होता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ऐसा मैंने साइन कहीं देखा है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ जिक्र कर दिया। ओके, तो ये दिमाग में था, बातें बता दी, आप लोगों ने भी देखा होगा दोनों हाथ के गोले पर पृथ्वी, वही समझ लो वैश्वीकरण है। आज पूरा विश्व क्या हो गया है, एक हो चुका है, और ये एक कैसे हुआ है ये हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, और वैश्वीकरण हम लोग राजनीति के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं ये भी जानेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं आज के इस चैप्टर की भूमिका की। शब्द आप समझ गए कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण, सॉरी, वैश्वीकरण का अर्थ बता रहा हूँ, वैश्वीकरण के शब्द को सिर्फ आपने समझा है कि विश्व का एकीकरण, यानी पूरा विश्व एक हो गया। लेकिन इसको जब हम लोग बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी बुक्स पढ़ा होगा,
फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी अपनी एक पिछली वीडियो में सजेस्ट किया था, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा उन्हें दोबारा से बता दूं कि मेरी वीडियोस को देखने से पहले, अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपको इसी वक्त वीडियो को ऑफ कर देना है, बंद कर देना है, पॉज कर दो और सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 या सॉरी एनसीईआरटी के जिनके पास पुराना एडिशन हो चैप्टर नंबर 9 निकाल देना, वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण को पढ़ना, उसके बाद ही मेरी इस वीडियो पे आना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे मेरी ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि मेरी जो बातें होंगी वो केवल आपको कहानी की तरह लगेंगी, आप इंजॉय करोगे और निकल जाओगे, दिमाग में जो चीज़ें होंगी उसको बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरीके से सेट करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जाइए बुक को देखिए, उसके बाद मेरी वीडियो पे आना, और जिन लोगों ने बुक्स को रीड कर रखा है उनके लिए समझ लो मेरी वीडियो स्टार्ट है। तो आप लोगों ने जब बुक पढ़ा तो आप लोगों ने क्या क्या देखा होगा, आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हम बुक खोलते हैं तो वहाँ पर 3 स्टोरी मिलती हैं देखने को, देन उसके बाद कुछ एक आध न्यूज़ है जो पूरी दुनिया की 2-4 न्यूज़ें दिखाई जाती हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है तरीके से जहाँ पर वैश्वीकरण का अर्थ बताया जाता है, देन उसके बाद 3-4 अलग अलग शब्दों के माध्यम से हम लोगों को वैश्वीकरण को समझाया जाता है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, वो शब्द हैं राजनीतिक, कौन से शब्द हैं राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, कौन सा आर्थिक, तीसरा क्या है, तीसरा है जो है सांस्कृतिक, क्या है सांस्कृतिक। अब ये शब्द तो कोई नए नहीं होंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अभी 11th क्लास पास करके आए होंगे तो आपने बुक्स में खूब अच्छे से और कितनी बार राजनीति के अंदर तो ये 3 शब्दों का भरमार होता है, कोई भी पॉइंट ले लो, राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक, हर मुद्दे का 3 पहलू होता है राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक। तो इस चैप्टर में भी 3 पहलू हैं राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक, और इन तीनों पहलू को वैश्वीकरण के अंदर एक स्पेशल शब्द ने बहुत ही तीव्र गति से फैलाया है या प्रचार किया है, या यूं कह लो कि वैश्वीकरण का सबसे बड़ा अहम जिम्मेदार शब्द जिसका मैं अभी लिखने वाला हूँ, जिक्र करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, वो है प्रौद्योगिकी, क्या है प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, तो ये जो तकनीकी है ये भी शब्द आप लोगों को इन तीनों शब्द के साथ जोड़ के चलना है, और इस तरीके से इन 4 शब्दों के माध्यम से आप लोग वैश्वीकरण को समझने वाले हो। ओके, इन 4 शब्दों के अलावा एक और बातें हैं, और वो एक बात क्या है कि आप लोगों ने राजनीति के अंदर कुछ भी जब पढ़ रहे होते हो तो ये चीज़ जाना होगा कि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हम लोग समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, वैश्वीकरण को तो पढ़ेंगे, वैश्वीकरण के प्रभाव राजनीतिक रूप में कैसे पड़े, सकारात्मक नकारात्मक दोनों जानेंगे, वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक रूप में कैसे पड़े, सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके से जानेंगे, वैश्वीकरण का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों जानेंगे। ओके, वैश्वीकरण का प्रौद्योगिकी के अंदर क्या प्रभाव पड़ा, गलत जवाब, गलत क्वेश्चन, टॉपिक ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनता। हकीकत बताऊं, हकीकत यह है कि वैश्वीकरण आज अगर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है तो उसका एक ही कारण है और वो है प्रौद्योगिकी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर आप वैश्वीकरण की परिभाषा को जानोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण आया है, वैश्वीकरण के अंदर प्रौद्योगिकी को हम पढ़े ये उचित नहीं लगता, ये इसके सम्मान के खिलाफ हो जाएगा। ओके, बिल्कुल मजाक वाली लैंग्वेज में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, अभी आपको धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे और सब आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल अभी आपको आपको क्या समझना है, अभी आपको ये समझना है कि इस चैप्टर के अंदर हम एक चीज़ को जानेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, और फिर हम ये जानेंगे कि वैश्वीकरण का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है और उन क्षेत्रों में पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, बस इतना ही जानना है, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाए कंप्लीट।
और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि शब्दों के साथ खेल करके आप लोग बड़े प्यार से 6 नंबर ले सकते हो। तो मेरा तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि भैया 6 नंबर बिल्कुल भी गवाने नहीं है। टर्म 2 जो कि 40 नंबर का आने वाला है उसमें से 6 नंबर तो हम लोग 2-3 वीडियो के अंदर ही पक्के कर मारेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यार से देखना मेरी वीडियो। देखने से पहले मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि NCERT आप लोगों को जरूर पढ़ लेनी चाहिए। और अगर वीडियो देख लोगे, अभी आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड थर्ड जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा आती रहेंगी, और सारी वीडियोस देखने के बाद वापस से आपको NCERT पढ़नी है, तब जा करके कहीं ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट होगा और ऐसा सेट होगा कि लाइफ लॉन्ग तक चलता रहेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आज जो भाषा है बहुत ही आसान है, मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही मान लो अगर कैसा भी स्टूडेंट्स केवल 10वीं के बाद सीधा 12वीं में आ गया हो तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से विद्यालय से कट चुके होंगे अभी पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जिनको ये शब्द भी समझ में नहीं आते, शब्द भी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं, उनके लिए भी मेरी वीडियो आसान रहे, वो भी जब एग्ज़ाम में बैठें तो वैश्वीकरण के जैसे टॉपिक पर बहुत आराम से लिख सकें और 6 के 6 नंबर ले सके, ऐसी मेरी कोशिश है। चलिए वापस से एक बार शुरू करता हूँ, वैश्वीकरण के परिभाषा समझाता हूँ और देन उसके बाद हम कर देंगे इस वीडियो का एंड। वापस से हम लोग सेकंड वीडियो में आएंगे और जब सेकंड वीडियो में आएंगे तब हम इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी मैं करता हूँ इसको रफ और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या होता है वैश्वीकरण। तो स्टूडेंट्स हम बात करें अगर वैश्वीकरण की, एक 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए वैश्वीकरण क्या है, तब आप इसको कैसे बताओगे? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। क्या प्रवाह? अब ये प्रवाह क्या होता है, इसको हिंदी भाषा में कैसे समझें? तो प्रवाह को आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? प्रवाह। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बड़ी ही धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है वो, ठीक है, कैसी धारा प्रवाह, यानी कि फ्लुएंट, लगातार कंटिन्यूस बस बह रही है, निकल रही है, बह रही है। ओके, तो इस चीज़ से आप समझ लो प्रवाह का अर्थ क्या होता है। ओके, यानी कि कोई भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी, क्या बोला मैंने, कोई भी इन चारों में से व्यक्ति, विचार, वस्तु, पूंजी, इन चारों चीज़ों का जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह होता है तब हम ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, क्या वैश्वीकरण का नाम दे लेते हैं। अब ये वैश्वीकरण का नाम व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी, ये तो मैं अपने दोस्त को भी दे देता हूँ, क्या मतलब हुआ, मैं अपने दोस्त के घर भी चला जाता हूँ, क्या ये वैश्वीकरण हुआ? मैं तो यहाँ रह रहा हूँ और मेरे से 2 किलोमीटर दूर मेरा दोस्त रह रहा है, कहाँ हुआ वैश्वीकरण? नहीं हुआ। अब ये वैश्वीकरण कब होगा? वैश्वीकरण तब होगा जब दो देश, क्या मैंने बोला, दो देश, यानी कि एक देश बाउंड्री पार करेगा, दूसरे देश में जाएगा, और इसके साथ साथ 2 से अधिक देश, क्या बोला मैंने, 2 से अधिक देशों के बीच में जब पूंजी, किसका पूंजी, वस्तु, किसका पूंजी, वस्तु, व्यक्ति और विचार, और विचार, जब इन चारों चीजों का एक देश से दूसरे देश और दूसरे से कई अधिक देशों में जब प्रवाह होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये चीजें आवागमन करेंगी, तब हम ऐसी स्थिति को क्या नाम दे देते हैं, वैश्वीकरण का नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन को हम लोग वैश्वीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि जब लोग अपने आप में ही सिमट कर रह जाते थे, देश उनके पास जो भी संसाधन हुआ करते थे उसी में गुजारा कर लेते थे, उनके पास जो भी काम धंधे होते थे वो अपना उसी में कर लेते थे, ठीक है। मगर आज के दौर में 21वीं शताब्दी में क्या हुआ
कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। अगर उनके पास किसी भी संसाधनों की कमी है तो वो क्या करेंगे, वो दूसरों से मंगा लेंगे, आयात कर लेंगे। अगर उनके पास किसी भी चीज़ की ज़्यादा है, अधिकता है, वो क्या करेंगे, उस सामान को बेच देंगे, निर्यात कर देंगे उसको जिसको उस चीज़ की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोगों ने आज क्या नाम दे दिया, वैश्वीकरण का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, वैश्वीकरण। यानी कि ऐसी जो सिचुएशन पूरे विश्व में चल रही है ये है वैश्वीकरण। और अभी मैंने जो आपको ये बात बताई, ये बात आपकी एनसीईआरटी बता रही है, मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूँ जो इस सब चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, वो बता रही है आपको कि किस तरीके से आज कहीं एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे स्थान के या दूसरे देशों की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से उन्होंने तीन व्यक्तियों के माध्यम से दिया है आपके चैप्टर में, जो आपके बुक में तीन व्यक्ति हैं उनके माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। तीन व्यक्तियों का नाम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नाम आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। फिलहाल मैं बताता हूं किस तरीके से वो तीन व्यक्ति, उनकी क्या बातें बताई गई। पहली बात, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी प्यारी सी बिटिया के लिए मार्केट में गिफ्ट लेने जाता है, जन्मदिन का तोहफा लेने जाता है, और उसको पसंद आती है एक साइकिल, और वो साइकिल होती है चाइना की। इससे पिछले साल उसने अपनी बिटिया के इसी जन्मदिन पर क्या किया था, इसी तरीके का जन्मदिन था, और उसने पिछले साल क्या करा था, उसको बारबी डॉल दिया था जो कि अमेरिका का था। यानी वस्तु की चीज़ इंडिया का व्यक्ति है, कभी चाइना का गिफ्ट दे रहा है अपने बच्चे को, कभी अमेरिका का गिफ्ट दे रहा है। वस्तु का हो गया आवागमन, समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं एक ऐसी लड़की की जो कि अभी रिसेंटली पढ़ी लिखी है, इंडिया की ही है, पढ़ लिख करके अपने खानदान की पहली ऐसी लड़की है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, और फिलहाल उसका मन कर रहा है कि वो बाहर निकल कर कोई अच्छी सी जॉब करे, ठीक है, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में या कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जा कर के जॉब करे। मगर उसके खानदान में अभी तक ऐसा किसी लड़की ने नहीं किया। जॉब तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर लड़के, चूंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है ऐसा उसके खानदान में पहली बार हो रहा है। मगर उसने ऐसा सोचा और वो अब बाहर निकल करके काम करने जा रही है, करेगी तो उस लड़की के अंदर ऐसी सोच कैसे आई, ऐसी कौन सी गतिविधियाँ इस समाज में हो गई जो कि उस लड़की को आज ये आइडिया आ रहा है, ये विचार आ रहा है भारत में रहते हुए कि वो किसी कॉरपोरेट सेक्टर के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए घर की चार दीवारी को लांगे और जा कर के जॉब करे और पैसा कमाए। तो ये एक क्या है, विचार, आइडियोलॉजी है, ठीक है, विचार जो कि अभी तक भारत में नहीं था, ये कहीं बाहर से चल के आई और धीरे धीरे ये विचार इंडिया में फैलने लगा। ओके, दूसरी बात, ये दूसरी बात थी। तीसरी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि इंडिया में ही है, दिल्ली के अंदर है, और वो दिल्ली से बाहर निकल करके जाता है नोएडा और गुड़गांव, और वहाँ पर किसी कॉल सेंटर से किसी दूसरे देश के लिए नाइट में करता है कॉलिंग, बीपीओ पर काम। ओके, तो वो करता है कॉलिंग और अपने विदेशी कस्टमर्स को वो करता है डील। अब इसके बदले उसको क्या मिलता है, इसके बदले उसको विदेशी मुद्रा में ही सैलरी मिलती है, और विदेशी जहाँ के उसके कस्टमर हैं उसी के आधार पर, उसी देश के कल्चर के आधार पर उसको हमेशा छुट्टियाँ भी मिलती हैं। तो ये तीन जो बातें बताई गई आपके चैप्टर में, ये बता रही हैं कि किस तरीके से वैश्वीकरण का इफ़ेक्ट हमारे समाज में देखने को मिलता है, और यही है रियल में वैश्वीकरण। अगली वीडियो में हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, वन बाय वन करके आर्थिक पक्ष उठाएंगे, सांस्कृतिक पक्ष उठाएंगे, राजनीतिक पक्ष उठाएंगे, प्रौद्योगिकी, चूँकि मैंने बताया है कि प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो प्रौद्योगिकी को स्पेशल हम जानेंगे, और फिर एक इन सभी को एक एक करके इनके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट समझते हुए इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग कर देंगे चैप्टर को कंप्लीट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आस पड़ोस की साफ सफाई कीजिए,
और अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी कुछ ऐसा बनाइए कि लड़कियां आपके साथ हमेशा सुरक्षित महसूस कर सकें।